हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे मैकडॉनल्ड्स के बारे में। देखिए, मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत हुई 1940 में। 1940 से लेकर के 2020, इतने कम टाइम पीरियड में ये वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हो चुके हैं, ग्लोबली इतने हिट हो चुके हैं कि 115 कंट्री के अंदर ये काम करते हैं। इन 115 कंट्रीज के अंदर इनके 37,000 आउटलेट हैं, जो किसी भी फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट की रेंज में सबसे ज़्यादा है। इनका सेकंड बेस्ट कॉम्पिटिटर है बर्गर किंग, जो पूरी दुनिया भर में सिर्फ 14,000 आउटलेट के साथ काम कर रहे हैं। अब 37,000 आउटलेट इनके पास है, मतलब इनके पास कस्टमर का इनपुट भी बहुत होगा। तो इनके इन 37,000 आउटलेट में पूरी दुनिया भर में इनके पास 68 मिलियन कस्टमर को ये सर्व करते हैं लगभग हर दिन। इन 68 मिलियन कस्टमर को सर्व करने से इन्होंने पिछले साल रेवेन्यू जनरेट किया था $24 बिलियन का। देखिए, $24 बिलियन रुपीज में कितना होता है कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि इन्होंने कितना ग्लोबली कितना बड़ा रेवेन्यू ये कमाते हैं। क्योंकि इतने सारे कस्टमर के साथ लगभग हर दिन इन्हें डील करना पड़ता है, इसलिए इनकी सर्विसेज होनी चाहिए क्विक। इसलिए मैकडॉनल्ड्स क्विक सर्विस आउटलेट, मतलब QSR के अंदर भी आता है। QSR के अंदर फोर्ब्स की लिस्ट अगर बनी तो उसमें भी इन्हें नंबर वन रैंकिंग मिली, क्योंकि इतनी क्विक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि अपने किसी भी एक बर्गर को बनाने के लिए सिर्फ 3 मिनट लेते हैं। इतने सारे लोगों को डील करने के लिए, इतनी स्पीड से बर्गर बनाने के लिए इनके पास जो एम्प्लॉय है वो भी है 4 लाख, मतलब बहुत बड़े एम्प्लॉय प्रोवाइडर भी हैं। और इतने सारे एम्प्लॉय इतने सारे कस्टमर के साथ डील करते हैं, इसलिए पिछले साल ये बना पाए 100 बिलियन बर्गर, और 100 बिलियन बर्गर बना के इन्होंने बेच भी दिया। देखिए, सुनने में बहुत छोटा सा लगता है कि 100 बिलियन बर्गर बना दिए, लेकिन थोड़ा कंपैरिजन ग्राउंड पे समझेंगे तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है 8 बिलियन से 9 बिलियन के बीच में। अब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन या 9 बिलियन, इन्होंने बर्गर बना के बेचे 100 बिलियन। इस बात से आइडिया लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया भर में मैकडी को पसंद कितना किया जाता है। इन्हें इतना पसंद किया जाता है कि इनका जो लोगो है वो पूरी दुनिया भर में सेंटा क्लॉज से ज्यादा बच्चों में फेमस हो चुका है। क्या रीजन रहा कि 1940 से लेकर के 2020 मैकडी नंबर वन बन गया, नंबर वन QSR बन गया, नंबर वन फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट में ऐड हो गया। देखिए, ये फूड के आगे जो फास्ट वर्ड लगाया गया, इसका पूरा क्रेडिट भी मैकडी को जाता है, क्योंकि 180 सेकंड के अंदर बर्गर बना दिया। कैसे किया मैकडी ने, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। मैकडॉनल्ड्स से सबसे पहली स्ट्रेटजी लेके चली लो प्राइस ऑफर। देखिए, मैकडी जब इंडिया में आए तो वो समझ गए कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री, यहां पर मिडिल क्लास लोगों का ज्यादा बोलबाला है। इन्होंने इसलिए शुरू से अपने बर्गर की प्राइस रखी ₹25, मतलब ये जो बाहर बैनर लगाते हैं बर्गर की प्राइस है ₹25। उस ₹25 की प्राइस को देख करके कोई भी मिडिल क्लास इंडिविजुअल या एक प्राइस सेंसिटिव इंडिविजुअल कस्टमर उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर चला जाता है, वहां से इनकी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी शुरू हो जाती है। उस बर्गर के साथ ये कॉम्बो ऑफर भी देना शुरू करते हैं कि बर्गर के साथ आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी या फ्रेंच फ्राइज मिलेगी। वो ₹25 का जो उनका बजट था वो कन्वर्ट हो जाता है ₹100 में। मतलब इस प्राइस ऑफर के साथ कस्टमर इन तो करता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो ₹100 देके जाता है। मतलब कस्टमर इन हुआ है लो प्राइस पे और एग्जिट हुआ है हाई प्राइस पे। इससे मैकडी थोड़ा फेमस हो गया, लोगों के फुट स्टेप इन होने लगे और इसको फायदा होने लगा। और इसी के साथ इन्होंने दूसरी स्ट्रेटजी ले ली, अपना मेन्यू इनोवेशन। देखिए, जब इंडिया में आए तो उन्होंने कस्टमर को मार्केट को एनालिसिस करके देखा, ये समझ गए कि इंडिया के अंदर इनका नॉनवेज बर्गर चलेगा नहीं। उसकी स्टोरी आपको पूरी पता है कि ये बीफ बर्गर लाए थे, इन पे बैन लगा। उसके बाद पूरी दुनिया भर में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहां पर मैकडी आलू टिक्की बर्गर बना के बेचता है, क्योंकि कस्टमर की नीड और मार्केट एनालिसिस इन्होंने कर लिया। क्योंकि ये समझ गए कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है और यहां पर यंगस्टर हैं, बच्चे भी बहुत हैं, इसलिए बच्चों के लिए भी इन्होंने अपना मेन्यू इनोवेशन किया और बच्चों के लिए ये लेकर आए हैप्पी मील, जिसमें श्योर बच्चे को कोई गिफ्ट जरूर मिलेगा। अब क्योंकि बच्चा जिद करेगा तो पेरेंट्स मना कर नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव और एक फैमिली ओरिएंटेड कंट्री है, बच्चे को मना कर नहीं पाएंगे। प्राइस कम है, प्राइस ऑफर सिर्फ ₹25 का, जो मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था। वहां से पेरेंट्स और बच्चा उस कस्टमर उस आउटले रेस्टोरेंट में आ जाएगा और ज्यादा प्राइस देकर के बाहर जाएगा, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि बच्चा खुश है तो पेरेंट्स खुश है। और इसी से इन्होंने अपनी तीसरी स्ट्रेटजी बना ली, लोकलाइजिंग ब्रांडिंग। देखिए, लोकलाइजिंग ब्रांडिंग का मतलब हुआ कि मैकडी के किसी भी रेस्टोरेंट में आप चले जाएं, वहां जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो लोकलाइज है। इन्होंने जितने भी रिक्रूटमेंट किए, जितने भी सिलेक्शन किए, वो आसपास के लोकल एरिया के, ताकि वो उनके कल्चर को समझ सके, लैंग्वेज को समझ सके और एक फैमिलियर फीलिंग बन सके, कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन सके, जिससे कि कस्टमर बार बार आ सके, बच्चा इधर उधर घूम रहा है तो पेरेंट्स को भी परेशानी ना आए। ये इन्होंने लोकलाइजिंग ब्रांडिंग कर दिया। प्राइस इतना सस्ता कि कस्टमर इन होगा, हैप्पी मिल दिया तो बच्चे को लेकर आना दिक्कत नहीं, और लोकलाइजिंग एम्प्लॉयज हैं तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कल्चरल डिफरेंसेस भी वहां अराइज नहीं हो पाए।
और यहीं से मैकडॉनल्ड्स ने अपना फोर्थ पॉइंट समझ लिया अपनी स्ट्रैटेजी का, दैट इज इंटरनल मार्केटिंग। देखिए जनरली जब हम मार्केटिंग सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि मार्केटिंग मतलब ऐड बनाओ, प्रमोशन बनाओ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन। लेकिन मैकडी ने इसे किया इंटरनल मार्केटिंग, मतलब इन्होंने इंप्लॉय को हायर किया। अब इंप्लॉय को ज्यादा सैलरी नहीं देते हैं, ये इंप्लॉय को देते हैं कम सैलरी, लेकिन उस कम सैलरी में उसको सेटिस्फेक्शन नॉन मॉनेटरली बहुत सारे देते हैं। मतलब जो इंप्लॉय इनके यहाँ काम कर रहे हैं और जो भी मैकडी ने नया प्रोडक्ट बनाया, नया बर्गर का फ्लेवर बनाया या आइसक्रीम कुछ बनाई, तो पहले टेस्ट कराते हैं अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो जाएगा, एम्प्लॉय खुश हो जाएगा, एम्प्लॉयज के रिव्यूज को ही काफी अच्छा मानते हैं। तो जो मैकडी का टैगलाइन बना है ना, आई एम लविंग इट, वो इनके एम्प्लॉयज ने ही इन्हें सजेस्ट किया था, क्योंकि एम्प्लॉय यहां काम करके बहुत अच्छा फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं। और यहीं से इन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी निकाल ली कि अगर इंप्लॉय बहुत खुश होगा तो बड़े मोटिवेशन से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने की कोशिश करेगा, कस्टमर से बहुत सेटिस्फाइड होकर के काफी इफेक्टिवली एफिशिएंटली बात करेगा, क्योंकि एक हैप्पी इंप्लॉय है तो कस्टमर को हैप्पी फील कराएगा, कस्टमर हैप्पी फील करेगा तो रिपीटेड सेल्स बार बार जनरेट होगी, बिजनेस स्केल अप हो जाएगा और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कस्टमर हैप्पी होगा तो बार बार आएगा, बार बार आएगा तो अपने बच्चों को भी लेकर आएगा, हैप्पी मील भी बिकेगा, बर्गर भी बिकेगा, फ्रेंचाइज बिकेगा और कोल्ड ड्रिंक भी बिकेगा, इससे बिजनेस प्रॉफिटेबल बन जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी सारी इंटरनल मार्केटिंग लगाई अपने इंप्लॉयज पे। इंप्लॉयज पे सारा फोकस लगाने के बाद इन्होंने ध्यान दिया अपनी क्वालिटी पे, अपनी सर्विस पे, क्लीननेस पे और वैल्यूज पे। देखिए क्वालिटी बेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, अपनी क्लीननेस सर्विसेज के लिए काफी जाने जाते हैं, अपनी सर्विसेज बहुत फास्ट रखते हैं, 180 सेकंड के अंदर आपको बर्गर प्रोवाइड कराते हैं, और वैल्यूज तो काफी अफोर्डेबल है, हर प्राइस कैटेगरी का इंडिविजुअल यहां पे जाकर के अपने लिए एक अच्छा मील प्रिपेयर कर सकता है। और इनकी फिफ्थ स्ट्रैटेजी थी रिपीटेबल सिस्टम, जो इन्हें किसी भी कॉम्पिटिटर से इतना आगे बढ़ाती है। देखिए 1940 से समझ चुके थे कि बर्गर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी लोकल दुकानदार भी बर्गर बना सकता है, लेकिन उन्होंने सारा फोकस किया रिपीटेबल सिस्टम पे कि इस तरह से बर्गर बनाया जाए कि 180 सेकंड के अंदर कस्टमर तक सर्व हो जाए, ताकि कस्टमर को ज्यादा वेट ना करना पड़े। देखिए कस्टमर हमेशा वेट करने से बहुत डरता है, उसके वेट टाइम को उन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने लीन प्रोडक्शन लेकर आ गए, फास्ट सर्विस लेकर आ गए, क्विक सर्विस लेकर आ गए, अब कस्टमर को जल्दी बर्गर मिल जाएगा, रिपीटेबल सिस्टम है। इन्होंने सारा पैसा जो था सीनियर एम्प्लॉयज पे लगाने से बजाय इन्होंने सारे नए अनएक्सपीरियंस अनट्रेंड इंडिविजुअल को हायर कर लिया, क्योंकि सीनियर इंडिविजुअल होगा तो ज्यादा पैसे मांगेगा, नया इंडिविजुअल होगा तो कम पैसे मांगेगा। इन्होंने ट्रेनिंग पे अपना पैसा लगाना शुरू किया, इन्होंने ऐसा रिपीटेबल सिस्टम बना दिया, इस तरह से उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया कि बर्गर बनाना किसी भी नए अनट्रेंड इंडिविजुअल के लिए भी ईजी हो जाए। इससे इनकी पूरी सैलरी की कॉस्ट बच गई, तो बिजनेस की कॉस्ट कम हो गई, बिजनेस के देखिए आउटलेट बहुत सारे हैं, बिजनेस की सेल्स बढ़ गई, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया और ब्रांडिंग बढ़ गई। और इन्हीं चार पांच कमाल की स्ट्रैटेजीज की वजह से मैकडी आज दुनिया का नंबर वन फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट बन चुका है। कस्टमर की पहली प्रेफरेंस मैकडी, क्योंकि 100 रुपए में आप भरपेट खाना खा सकते हैं, 25 रुपए का बर्गर देकर भी आपको काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि बर्गर काफी फ्रेश है और काफी टेस्टी है। इंप्लॉयज के लिए भी उन्होंने काफी सेटिस्फेक्शन के काम किए, मॉनेटरली इतना बेनिफिट नहीं देते, पर नॉन मॉनेटरली उन एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं, उनके ओपिनियन की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए यहां के सारे इंप्लॉय भी यहां काम करना पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करके शेयर करेगा अपने सारे फ्रेंड के साथ जो मैकडी जाना पसंद करते हैं या जिन्हें मैकडी में काम करना अच्छा लगता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की बिजनेस केस स्टडी जब भी मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।